नमस्कार, आप देख रहे हैं namo4media.com। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के जालौन जिले में पहला कोरोना का मामला सामने आया है और ये मरीज राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के आइसोलेशन वार्ड में तैनात एक चिकित्सक निकला। जिला अस्पताल उरई में तैनात इस चिकित्सक की कोरोना के चलते राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनाती की गई थी। चिकित्सक को पिछले दो दिनों से तेज बुखार था और अचानक उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी सैंपलिंग कराई गई और उन्हें आनन फानन में लखनऊ के KGMU में भर्ती कराया गया। उनकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और जिला प्रशासन ने उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन करवाया और उन सभी लोगों की जांच करवाई जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा नगर के उन अस्पतालों को भी सीज कर दिया गया जिनके संपर्क में चिकित्सक आए थे और जिला प्रशासन के द्वारा उरई शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट namo4media.com। जनपद में एक केस पॉजिटिव आया है, आज शाम को उसके रिपोर्ट झांसी मेडिकल कॉलेज से हमें प्राप्त हुई है। कल उनका सैंपल इकट्ठा किया गया और पेशेंट इस समय लखनऊ के KGMC अस्पताल में स्टेबल है, उनको अभी कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है। और हमारा जनपद वासियों से अपील है कि चूंकि वो उरई क्षेत्र में रहते थे तो कल से उरई क्षेत्र को आज रात से जो है लॉकडाउन किया जा रहा है, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ ना आए। किसी को भी अगर एसेंशियल सर्विसेज और इमरजेंसी के अलावा किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। लोग अपने घरों में रहें। यहाँ से हम कंट्रोल रूम से नंबर जारी करेंगे जिसके माध्यम से आप अपने दवाई, अपने राशन और आपने जो फल और सब्जी खरीदना है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी हालत में आप जो है बाहर ना निकलें। पुलिस की पूरी चौकसी रहेगी, जो भी बाहर निकलेगा उसके खिलाफ धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी। सर, परिवार क्या कौन व्यक्ति है, क्या इसका है? देखिए, व्यक्ति का नाम हमें अलाउड नहीं है कहना, तो मैं उसको नहीं कह सकता। जो व्यक्ति इनसे पीड़ित है इस समय वो KGMC अस्पताल में है, वहाँ वो आइसोलेशन में रखे गए। इनसे संबंधित जहाँ जहाँ ये लोग मिले, ट्रैवल हिस्ट्री इनकी क्या है? इनसे संबंधित जो जो लोग हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। जो इनके साथ संबंधित हाई कॉन्टैक्ट रिस्क हैं उनको अस्पताल में क्वारंटाइन किया जा रहा है और जो लो कॉन्टैक्ट रिस्क हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। अच्छा, चिकित्सा जगत से जुड़ी हुई? देखिए, ये तो बाद में आपको जानकारी हो जाएगी। जो भी लोग उनसे संबंधित होंगे वो उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि अगर पिछले 10-15 दिन में उनसे मिले हैं तो वो बाहर आके जो है आराम से मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास सारी सुविधा है और डरने की भी कोई बात नहीं है। ये बीमारी जो है 80% लोगों को पता नहीं चलता है, तो हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप भी अपने घरों में ना फैला रहे हो। तो अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम लगता है, आपको लगता है कि कॉन्टैक्ट आपका उनके साथ हुआ है, तो आप लोग जो है सामने आके जिला प्रशासन और अस्पताल से अपना बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, 12 बजे तक जो मार्केट खुले जा रहे थे वो खुले जाएंगे पूर्णतः लॉकडाउन में? देखिए, उरई में अब पूर्णतः लॉकडाउन है। सर, जनपद में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी सीज किए गए? देखिए, जिस अस्पताल में संबंधित व्यक्ति जुड़े होंगे उनको जो है सावधानी के लिए जो है सीज किया जा रहा है, ताकि अगर कोई संबंधित व्यक्ति जुड़ा हो तो उसको जो है कॉन्टैक्ट के माध्यम से जो है होम क्वारंटाइन किया जा सके। कितने अस्पताल सीज? फिलहाल तो हमें जो 2 अस्पतालों में सोचना है, बाकी के बारे में हम बात करें।